बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। होपफुली हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक बार हम इसकी डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान डिफरेंट एनर्जी रखने वाले और डिफरेंट शेप्स रखने वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स्ड अप हो जाते हैं और मिक्स्ड अप हो जाने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, एक एस ऑर्बिटल है, तीन पी ऑर्बिटल हैं। एस ऑर्बिटल की शेप अलग है, पी ऑर्बिटल्स की शेप अलग है, इनकी एनर्जी भी अलग है। लेकिन जब ये मिक्सअप हो जाते हैं, इनके मिक्सअप हो जाने के बाद एक ऑर्बिटल का सेट बनता है, नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। तो स्टूडेंट, उसके बाद हमने कल के लेक्चर में आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बता दिया था कि sp3 एक हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल मिक्स्ड अप होते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल्स हैं। ये आपस में मिक्स्ड अप होते हैं, इनके मिक्स्ड अप होने से चार नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। और ये बात कल बताई थी कि जितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही नए बनते हैं। अगर चार ऑर्बिटल मिलेंगे तो चार बनेंगे, और अगर तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो नए भी तीन बनेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो sp3 का मतलब क्या है कि एक s ऑर्बिटल और थ्री p ऑर्बिटल्स, एक s ऑर्बिटल और थ्री p ऑर्बिटल्स, जब ये मिक्स अप होते हैं, इनके मिक्स अप होने से चार नए ऑर्बिटल्स बनते हैं और हर ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना है, समझना है। अगर आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझ लिया है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको फौरन समझ आ जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। sp2 आपको यहाँ से पता चल रहा है, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे और मिक्सअप होकर तीन नए ऑर्बिटल बनाएंगे। जरा यहाँ देखें, इस केस में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp2 कहेंगे और इनके मिलने से जो है तीन नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो लिहाजा डेफिनेशन क्या बनेगी? अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सेट ऑफ थ्री न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी हम डिटेल को, एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जब ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है वो कैसी होती है? वो ट्राइगोनल फॉर्म में, तमाम ऑर्बिटल्स जो है वो ट्राइगोनल फॉर्म में अरेंज होते हैं। और उसके बाद हर ऑर्बिटल के अंदर ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं, चूंकि ये s और p के मिलने से बने हैं, लिहाजा हर ऑर्बिटल में s करैक्टर भी मौजूद होगा और p करैक्टर भी मौजूद होगा। चूंकि यहाँ पर s कम है, s एक है, p दो है, तो s करैक्टर कम होगा, p करैक्टर ज्यादा होगा। अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो परसेंटेज में जो s करैक्टर है वो कितने परसेंट बनेगा? वो 33.33% बनेगा, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद जो है यहाँ पर p करैक्टर है वो 66.67% होगा इस ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि इसके अंदर s करैक्टर भी होगा और p करैक्टर भी होगा। और हर ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएगा।
तो ये स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसको हम किसी एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम में हो रही होगी, तो हम कोई एग्जांपल आपके सामने लेकर आते हैं, उसको एग्जांपल से आपने इसको समझना है। अब देखें bf3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, आपको कल ये बात बताई थी कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसकी होती है, जो उसका सेंट्रल एटम है, और BF3 में सेंट्रल एटम क्या होगा, बोरोन होगा। अब बोरोन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py 2pz, ये तो इसकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसको हम इसी को एक और फॉर्म में लिखते हैं कि देखें ये s ऑर्बिटल है, ये px py pz, और फिर आप क्या करेंगे जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल है उन्हीं को यहां पर लिखेंगे। ये स्टेट इस वक्त जो इसकी स्टेट है इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जब ये बॉन्डिंग के लिए तैयार नहीं है। जब बॉन्डिंग के लिए तैयार होगा तो उस वक्त इसकी ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। जब बोरॉन को एनर्जी मिलती है तो उस वक्त ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर जो एक खाली जगह है वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें एक्साइटेड स्टेट देखें बोरॉन की, तो यहाँ पर आपको कितने ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल है। कई स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि सर ये जो pz है इसका क्या होगा। देखें ऑर्बिटल बेसिकली इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, अगर इलेक्ट्रॉन हो तो ऑर्बिटल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इसको आप जेन से निकाल दें कि यहाँ भी कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल ये है sp(x, py)। तो लिहाजा इस वक्त जब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन होगी, बोरॉन जो है वो बॉन्डिंग करेगा, तो उसके कितने ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है जो हाइब्रिडाइज्ड होने जा रहे हैं, उनमें एक s है और दो p हैं। तो लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 एक s और दो p। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप कैसे होगी, ट्राइगोनल, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120। उसके बाद ये बोरॉन है, ये बोरॉन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं उसके बाद इनके साथ आकर जो है बॉन्डिंग कौन करता है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का जो मैंने ये ऑर्बिटल बनाया है ये डंबल जैसा बनाया है, एक फ्लोरीन यहाँ आता है, एक यहाँ आता है और एक यहाँ आता है। अब ये डंबल जैसा क्यों बनाया है ये भी समझने की बात है। अगर आप फ्लोरीन को गौर से देखें, जो फ्लोरीन है इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2px2 फिर 2py 2 और फिर 2pz1। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये 2pz है, सिर्फ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो pz है, तो लिहाजा ये pz ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डंबल जैसी। तो ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल यहाँ पर आकर बॉन्डिंग करेगा, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, और इसी तरह से फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये पेयर बन रहे हैं, ये बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरह से जो है हम बात कर लेते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की क्या एग्जाम्पल है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब इसके साथ ही आपको हम sp हाइब्रिडाइजेशन भी बताएंगे। आप जल्दी से जो आपको बताया है इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें, उसके बाद आपको हमने नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। जी स्टूडेंट, अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल,
आपस में मिक्सअप होंगे। हम यहाँ देखते हैं कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्सअप होंगे। अब आप खुद समझ गए होंगे कि एस पी का मतलब एक एस और एक पी ऑर्बिटल, और आप ये भी समझ गए होंगे कि जब ये दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो इनसे नए ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे। तो लिहाजा एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं, इनके मिक्सअप होने से दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। और ये ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, एस पी हाइब्रिडाइज्ड, एस पी थ्री नहीं, एस पी टू नहीं, बल्कि एस पी, क्योंकि इसमें एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, इसी वजह से ये एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल आर मिक्स टूगेदर टू फॉर्म अ सेट ऑफ टू न्यू वन एंड टू न्यू एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एस पी हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखें इसकी शेप काफ़ी हद तक इससे मैच करती है, इसको पी मत समझ लेना, ये दो अलग अलग ऑर्बिटल हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाते हैं, जिस तरह से आपने एस पी थ्री एस पी टू पढ़ा बिल्कुल उसी तरह से एस पी भी है। इस एस पी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें एस पी हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो एक लीनियर फॉर्म में एक लाइन में अरेंज होते हैं, और उनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन कहाँ हो रही है, उसकी कोई अपनी एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अब BeCl2 में सेंट्रल एटम बेरिलियम है, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 आएगी, राइट। और सेकंड शेल में पी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इस वक्त ये खाली हैं, मतलब ये यहाँ पर जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिहाजा सेकंड जो शेल, जब सेकंड शेल पे आप जाते हैं तो ऐसे सब पी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर फिर हम बात करते हैं कि बोरॉन के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये ग्राउंड स्टेट है। और आपको बताया गया था कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो स्टेट जब ये बॉन्डिंग के लिए तैयार हो जाता है, जब ये बॉन्डिंग करता है तो उस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जब आप इसको एनर्जी देंगे, इस बोरॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। अभी आपको नजर आ रहा है कि बेरिलियम जो है इस बेरिलियम में, जरा गौर करने आपने कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करके यहां से यहां चला जाता है, उसके बाद एक एस है और एक पी है, पी वाई पी जेड, यहां तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल भी नहीं है, ठीक है। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से होता है, अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑर्बिटल होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जगह ये असल में ऑर्बिटल है। तो यहां पर एक एस और पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी, शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर, ठीक है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ये आपके सामने मैंने बना दिया। हर ऑर्बिटल एस पी हाइब्रिडाइज्ड है, इस हर ऑर्बिटल को हम एस पी कहते हैं, एस पी। उसके बाद इसके साथ आकर क्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में होता है, तो क्लोरीन का पी ऑर्बिटल यहां पर आ जाएगा। इस तरह से यहां पर देखिए BeCl2, बॉन्ड एंगल 180। तो ये स्टूडेंट पूरी कहानी है एस पी हाइब्रिडाइजेशन की। होपफुली आपको सारी हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गई होंगी। आपको हमने इससे पहले जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को काफ़ी डिटेल से बताया क्या होती है, और उसके बाद फिर एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, उसकी एग्जांपल बताई, उसके बाद एस पी टू और एस पी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, एग्जांपल्स बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हमने कुछ और जो है टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली
हमारे किस काम है आती है। इस हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाई करके हम किसी भी शेप, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने मीथेन के बारे में पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और हमने पढ़ा था कि मीथेन के मॉलिक्यूल जो है, मीथेन की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। हमने आज पढ़ा है bf3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, शेप ट्राइगोनल। हमने आज ही BeCl2 पढ़ा, शेप कैसी लीनियर। ये तो तीन एग्जाम्पल आपके सामने हैं। यकीनन और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जाहिर है और मॉलिक्यूल, बाकी मॉलिक्यूल में भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसी वजह से हम और मॉलिक्यूल्स को भी आपके सामने लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उनको डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने आएगा, आपने उस पर किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरह से पता चलाना है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए।